यह निकालना तूने देसी मुर्गा। अब उन इंटरनेशनल फाइटर्स के सामने ऐसा देसी फाइटर डालूंगा कि सालों की सास बैक साइड से निकलेगी। थैंक यू। यस इट्स कंफर्म्ड, हमारी सरकार ने राइट टू फाइट को इंडिया लाने का फैसला कर लिया है। R2F का पहला टूर्नामेंट मुंबई सिटी में होगा। सर R2F दुनिया के ज्यादातर कंट्रीज में एक बैंड स्पोर्ट है। USA, UK, जर्मनी और कई यूरोपियन कंट्रीज में R2F एक बहुत पॉपुलर स्पोर्ट है। तो यार स्पोर्ट को स्पोर्ट ही रहने दो, कुछ और नाम ना दो। Hey David, आजा ऊपर आ। बिखरा अंधेरा चमका सितारा जो तेरा अंबर पे आतस तखत कर दे। तू अब तलकता अधूरा होने ही वाला है पूरा, हद से गुजर जा तू हद कर दे। है चाह तो है रास्ता ये जान ले जरा, मुमकिन अगर तू ठान ले जरा। टूर्नामेंट किसी भी क्रिकेट लीग से ज्यादा पैसा कमा के देख। इट्स अ मनी स्पिनर, ये मेरा चैलेंज है। मिस्टर ब्रिगेंजा, इंडिया में आपको उस लेवल के फाइटर्स मिलेंगे? नहीं, उसके भी ऊपर के लेवल के मिलेंगे। अ कंट्री विद बिलियन पीपल एंड ले दे के व्हाट 10 वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्समैन एंड नाउ बाय सैंक्शनिंग R2F यू मीन टू से ये जो सड़कों पे लड़ते हैं वो सीधा इंटरनेशनल फाइटर से लड़ेंगे? सड़कों पे गली क्रिकेट खेलने वाले नेशनल क्रिकेट टीम में नहीं देखे आपने? इंडियन स्पोर्ट्स का हर चैंपियन शायद सड़क से उठकर आया। मैम ex-fighter Mr. Baz Rawat feels very strongly for the R2F. I don't agree with Mr. Baz Rawat. हमारे देश को ऐसे स्पोर्ट की जरूरत है जिसमें थोड़ा स्ट्रेटजी, थोड़ा सा मेंटल पावर यूज हो। ब्रेन पावर इज द मेन पावर यू सी। Now what do you think this is all about? Fight with the brains ही लड़ते हैं सर। अगर ये ब्रेन इस हाथ के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा तो सब खत्म। स्ट्रेटजी, रिफ्लेक्स, कोऑर्डिनेशन ये सब लगता है इस गेम में। You got to think on your feet or you're dead. Hey Peter, जाएगा क्या? बोलना जाएगा क्या? अरे जाएगा नहीं, गया। तेरी बारी है कमर कसले, तेरे बस में है सारे मसले, तेरे टूटे हुए दिल की जमीनों पे हिम्मत की उगाए फसले। तेरे हाथों में गरम है तेरा और खून गरम है तेरा, कोई तीर निशाने से चूके ना जम के कदम रख ले। खुद में तू हथियार है, लड़ने को तैयार है, टंके की एक चोट के जैसा हर तेरा बार है। मंजिल तुझ पे है फिदा, तेरा हाफिज है खुदा, कुछ ऐसा कर जाके वो भी तुझसे पूछे बंदे बदला दे, तेरी मर्जी है क्या। हो रही है कि क्या इंडियन फाइटिंग सीन इज अप टू द मार्क? या फॉरगेटिंग मिस्टर देसाई, या अखाड़ों का देश है और एक ब्रांड न्यू स्पोर्ट के लिए इतना एक्साइटमेंट होना कमाल की बात है। तो फिर देर किस बात की? यहीं लाइव हमारे चैनल पर डिक्लेयर करें इंडिया के पहले R2F फाइटर्स के नाम। अरे थोड़ा पेशेंस रखिए, इंडिया का पहला मार्शल आर्ट इवेंट है, एक्शन से पहले सस्पेंस तो होना ही चाहिए। मिस्टर पीटर ब्रिगेंजा'स ऑफिस हैज रिफ्यूज्ड टू कंफर्म और डिनाई दिस, लेकिन हमारे सूत्रों से हमें यह पता चला है कि जर्मनी का हेवीवेट चैंपियन द ग्रेट लुका इंडिया आ रहा है। अगर ये खबर सच है तो लुका के आने से ये टूर्नामेंट पूरी तरह से इंटरनेशनल लेवल का हो गया। That's fantastic. I've seen Luka fight. He's gruesome. He's very, very dangerous. देवर, इधर देख।
तो बात खत्म, कंपटीशन तो शुरू होने से पहले खत्म हो गया फिर। आप ऐसा इसलिए कह रही क्योंकि द ग्रेट लूका कभी किसी इंडियन फाइटर से नहीं टकराया। कांटे की टक्कर होगी साहब। मारा अब है फर्श पर, तेरा हक तो है शिखर, हर बंधन से टूट के अपनी मंजिल पे कूच कर। चर्चा हो इस बात का दुनिया की जुबान पर, ऊपर वाले ने बनाया है क्या तेरे दोनों हाथों को तलवारें पिघला कर। शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होती है। वो क्या इतना बड़ा गैंगस्टर था? गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था। मॉन्स्टर ना, हर पिक्चर में कोई एक होता है। तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा। कौन हीरो? नहीं, विलन। इलाका अपुन का, कानून अपुन का, काट डालेगा।